शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के दो ऐसे बड़े स्टार्स हैं जिनकी फिल्मों का लगभग हर किसी को इंतजार रहता है। लेकिन इस बार जो इनकी फिल्म आ रही है पठान, उसके साथ मामला बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज से ज़्यादा लोगों को इसके बॉयकॉट का इंतजार है। वेल, आपको बता दें 2018 के बाद साल 2023 में 4 साल बाद SRK कमबैक कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सीज में घिर चुकी है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि बेशरम रंग जो गाना आया है उसमें दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है। दूसरा यह है कि लोगों को लगता है कि ये गाना कुछ ज्यादा अश्लील है, दीपिका से इस तरह की उम्मीदें नहीं है। तो फिलहाल जानते हैं जनता से कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनको क्या लगता है कि गाने में भगवा रंग की वजह से फिल्म को बॉयकॉट कर देना चाहिए या फिर SRK की फिल्म का इंतजार करके कॉन्टेंट पर अपना जजमेंट देना चाहिए। वेल, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट, मेरा नाम है लवी चौधरी। तो चलिए जानते हैं जनता का क्या रिव्यू है। एंटरटेन कर रहे हैं और ऊपर से बॉयकॉट करो, क्यों? जिसको देखने देखे, नहीं देखने मत देखे। मतलब कि कोई भी हरा रंग भी किसी ना किसी से रिलेट करता है, तो ऐसे तो कोई कुछ पहनेगा ही नहीं ना। मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। में कुछ इतना ज्यादा सेक्सुअलिटी दिखाया गया है कि मतलब जो न्यू जनरेशन है उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सॉन्ग की वजह से आप एंटायर मूवी को जज कर रहे हो, ये तो आपकी वर्स्ट मेंटालिटी शो कर रही है। पॉलिटिकल लोगों को तब भी रोटी सेकनी होती है, तो कुछ भी बोलेंगे। फिल्म पठान को लेकर फिलहाल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण से ज्यादा उनके गाने बेशरम रंग और उनकी बिकनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मतलब उन्हीं की चर्चा चल रही है। तो हमारे साथ एक बॉलीवुड की फैन कह सकते हैं, सिनेमा फैन, जो अभी हमें अपना ओपिनियन बताएंगी कि इस गाने की वजह से फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्यों करें? उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, एक तो एंटरटेन कर रहे हैं और ऊपर से बॉयकॉट करो, क्यों? जिसको देखने देखे, नहीं देखने मत देखे। अरे एक तो एक्टर है, उनकी अपनी लाइफ है यार। और मैम, गाने में जो वो भगवा रंग की बिकनी है उस पे बड़ा मुद्दा उठ रहा है। तो जिसको नहीं देखना ना देखे, तो कोई इशू नहीं है ना रंग? नो, नॉट एट ऑल। जिसको हर की चॉइस है ना, नहीं देखना उनका मर्जी है, वो दिखा रहे हैं, तुम्हें नहीं देखना मत देखो। प्रॉब्लम ये भी है कि पॉलिटिशियंस भी बोल रहे हैं इस पे। पॉलिटिशियंस को पता है कि यहाँ पे आसपास क्या हो रहा है, यहाँ पे बिकनी पहन के घूम रहे हैं, उसको पकड़ लेंगे। जिसकी मर्जी हो रही है वो पहन रहा है, तो फोटोग्राफी में ही क्यों, एंटरटेनमेंट में क्यों? जिसको एंटरटेनमेंट ढूंढना है वो एंटरटेनमेंट ढूंढेगा। आप देखने वाले हैं फिर पठान? डेफिनेटली, मेरी मर्जी है तो मैं देखूंगी, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देखूंगी। शाहरुख खान, अल्लाह भाई। ओके, एक्चुअली मुझे लगता है कि कलर मतलब कि ये डिफाइन नहीं करता, हमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कंटेंट कैसा दे रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ एनी कलर, तो ऐसे तो कोई फिर मतलब कि कोई भी हरा रंग भी किसी ना किसी से रिलेट करता है, तो ऐसे तो कोई कुछ पहनेगा ही नहीं ना। तो मुझे नहीं लगता ये जो थिंकिंग है अभी वो मतलब कि ज़्यादा इतना करना चाहिए लोगों को। और अगर कॉन्टेंट आपको पसंद आता है तो आपको मूवी देखनी चाहिए, दैट्स इट। एक और पॉइंट है, मतलब एक और रीज़न है बॉयकॉट का, वो ये कि इस फिल्म में ज़्यादा न्यूडिटी दिखाई गई है, इस गाने में स्पेशली, मतलब गाने में, अभी फिल्म तो कोई सीन सामने नहीं आया है, तो गाने में दीपिका को काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखा गया है, लोगों ने बोला है कि एपिटोम ऑफ ग्रेस है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ओके, वैसे तो सॉन्ग मैंने देखा है, हाँ उसने थोड़े बोल्ड सीन किए हैं, बट मुझे लगता है अभी आप यूट्यूब पे या कहीं भी देख लो तो ऑलमोस्ट लोग मतलब कि अब हमें इससे थोड़ा उठना चाहिए कि वो कितने कपड़े पहन रहे हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं। इट्स बेसिकली व्हाट वी वांट टू सी, तो वो वही दिखा रहे हैं। सो समहाउ हम अकेले में तो वो देखना पसंद करेंगे, बट वैसे देखने में थोड़ी शर्म आती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी चीज़ एक मतलब करने वाली है, क्योंकि हमें वो पसंद है, इसीलिए शायद वो ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हम बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन जब लगता है कि एक झुंड आ रहा है और अब इसको नेगलेक्ट करना चाहिए, तब हम एक अपनी ना सुन के लोगों के उसमें ग्रुप में चल देते हैं और ये बात बोलते हैं कि नहीं उसने ऐसे कपड़े पहने। क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल ले लो, इवन तो इंस्टा पे हम रील्स बनाते हैं, तो लोग कैसे कॉन्टेंट, जबकि हमें तो वो पता है कि वो फैटर्निटी इसीलिए है, तो फिर मतलब इसका कोई मुद्दा पॉइंट होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। मेरे ख्याल से बॉयकॉट होनी चाहिए, क्योंकि उनको इस तरीके के कपड़े पहनना तो ठीक है, लेकिन वो जो उन्होंने रंग पहना है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मतलब कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के MP ने बोला है वो मेरे ख्याल में तो एकदम सही बोला है। सही बोला, हाँ जी। तो इस रंग के अलावा एक और मुद्दा ये है कि काफ़ी रिवीलिंग गाना है, मतलब बॉडी के पार्ट्स दिखे हैं, ये वो करके इस तरह की बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तो वो भी मुद्दा आपके लिए ठीक है कि हाँ उस वजह से भी करनी चाहिए बॉयकॉट?
हाँ ये सही है, क्योंकि इससे ही हमारी जो जनरेशन है वो इसको देखती है, फिर अलग जो मन में ख्याल होते हैं वो अलग तरीके से आते हैं, और इसमें कुछ इतना ज़्यादा सेक्सुअलिटी दिखाया गया है कि मतलब जो न्यू जनरेशन है उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आपके हिसाब से नरोत्तम मिश्रा ने ठीक कहा है? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो उन्होंने ठीक कहा है। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है कोई भी, क्योंकि हमारे वो पुराने फिल्म इंडस्ट्री है, पुराने फिल्म स्टार हैं, वो हमारी धार्मिक संस्थाओं को वो कोई टेस्ट नहीं पहुंचाते। बाकी मीडिया लोग बाबू का मानना है कि कोई भी एक्टर है जो आज के टाइम पे चल रहा है बढ़िया, उसका वो शो वगैरह पब्लिक को हंसाता है, मनोरंजन करता है, बाकी कुछ भी वो कुछ घटना उसमें हो जाती है तो पब्लिक ये मानती है कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध खड़ा है, यानी कि हमारे धर्म के खिलाफ है, तो पब्लिकसिटी उसे फिर बायकट करने का वो कर देती है। तो आपको गाना बढ़िया लगा? बाकी देखो गाना भी बेस्ट है, और बाकी हम तो ये वेट करते हैं शाहरुख खान की मूवी आएगी 2013 में, सबसे पहले हम देखने जाएंगे पठान मूवी, और हम तो ये मानना चाहते हैं 2023 में हम तो ये मानना चाहते हैं शाहरुख खान की मूवी हिट से हिट जाए, सुपर डुपर जाए। डू यू थिंक कि सेफ्रॉन कलर की बिकनी की वजह से पूरी फिल्म को बॉयकॉट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अब छोटी सी एक सॉन्ग की वजह से आप एंटायर मूवी को जज कर रहे हो, ये तो आपकी वर्स्ट मेंटालिटी शो कर रही है। और सॉन्ग क्या, आप इस जब तक आप हर चीज़ तो ऑप्ट कर रहे हो, क्या कहते हैं वेस्टर्न, ठीक है, बट अब अगर वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट मेंटालिटी को शो करता है। एक और रीज़न ये है कि इस फिल्म के गाने में न्यूडिटी भी ज़्यादा बता रहे हैं कि दीपिका से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, शी इज़ द एपिटोम ऑफ ग्रेस। एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी के बारे में सुना है आपने? बिल्कुल। वो भी तो ओपनली वही फैला रहे हैं, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है ना, बट अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हो, किसी अच्छे मतलब यू नो कंटेंट को लेके आ रहे हो, और उसमें अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर उसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होते हैं, तो अगर आप क्लीन कर रहे हो तो टोटल क्लीन करो ना। अकॉर्डिंग टू यू ये बॉयकॉट पठान ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर नंबर वन पे, इट्स ऑल रॉन्ग? या बिल्कुल, क्योंकि जो दोनों हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, वो तो स्टार किड भी नहीं है, है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा गलत है अगर आप उसको बॉयकॉट कर रहे हो तो। आई एम सपोर्टिंग सैफरन इज अ न्यू ब्लैक, तो सैफरन पहनने से किसी की भी, मेरे को भी लगता है, मैं खुद एक हिंदू हूँ और रोज़ सवेरे घंटों एक घंटा कम से कम पूजा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी कोई भावना इससे मेरे को नहीं लगता हर्ट होगी। कुछ भी कपड़े पहने, सैफरन पहने, हरा पहने, भगवा पहने, वॉट एवर, ब्लैक पहने। तो भी नरोत्तम मिश्रा भी इस चीज़ पर बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स पॉलिटिकल वो है। जी जी, पॉलिटिकल लोगों को तो अपनी रोटी सेकनी होती है जी, तो कुछ भी बोलेंगे। तो एंटरटेनमेंट को उसी हिसाब से देखना चाहिए, अगर एंटरटेनमेंट है एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखना चाहिए, पब्लिक को डिसाइड, पब्लिक डिसाइड करती है हमारी जी कि कौन सी मूवी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, पब्लिक को पसंद आई नहीं देखेंगे, नो मैटर कोई कितना हल्ला मचा ले। तो आपको क्या लग रहा है पठान चलेगी? नहीं, ये भी हो सकता है कि इस मूवी को चलाने के लिए इनको रोप इन किया हो, बिकॉज अनलेस कॉन्ट्रोवर्सीज आते हैं, हाँ पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी वो बोल सकते हैं, नहीं तो मैंने तो उनका मिनिस्टर साहब का कभी नाम ही नहीं सुना था। अच्छा, अब शायद इसमें इन्होंने बोला तो उनका नाम सुनने को मिल गया। ऑल दिस इज पार्ट। तो दोस्तों ये थी जनता की राय पठान को लेकर के, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा।